राजस्थान राजा महाराजाओं की स्थली रही है। यहाँ पर आपको कई किले एवं भव्य महल देखने को मिलेंगे, जिनमें से एक भानगढ़ का किला भी है। भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। यह किला अपनी भुतहा कहानी के कारण प्रसिद्ध है। भानगढ़ के संबंध में लोगों की अलग अलग मान्यताएं रही हैं। तभी तो यहां रात को रुकने से मनाही की जाती है। यह भी कहा जाता है जो रात को इस किले में रुकता है वह सुबह तक मिलता नहीं, यदि मिलता भी है तो सही हालत में नहीं, यानी रात्रि के समय भानगढ़ किला कैसा होता है यहाँ की भूतियां कहानी सुनने के बाद ही पता चलेगा। क्या आज भी भानगढ़ किले में प्रेत आत्माओं का निवास है और इस किले के दर्शन आप कैसे कर सकते हैं, ये भी जानेंगे इस सच्ची घटना में। भानगढ़ किला 1613 में माधो सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। अलवर के सरिस्का बाग परियोजना क्षेत्र में स्थित यह किला भारत के सबसे डरावने किलों में गिना जाता है। यहाँ के लोगों के विश्वास और धारणाओं के अनुसार यहाँ कई असाधारण घटनाएं घटित होती रहती हैं। प्रेत आत्माओं का साया होने के कारण यह किला इंसानों से पूरी तरह से वीरान हो गया। भारतीय पुरातन विभाग ने यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए बोर्ड लगाकर स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि किले में रात के बाद ठहरने की मनाही है। यदि कोई इस चेतावनी को नजरअंदाज करता है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद की होगी। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले में आता है। किला तीन ओर से अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है। यही वजह है कि सुरक्षित स्थल महसूस होने के कारण यहाँ के शासक ने इस किले का निर्माण करवाया। किले का बाहरी परकोटा एक मजबूत दीवार के साथ बना हुआ है जो दोनों तरफ पर्वतों से मिलकर किले को और अधिक सुरक्षित करता है। भानगढ़ किले के मुख्य द्वार पर बजरंग बली का मंदिर बना हुआ है। इसके बाद किले के बाजार परिसर की शुरुआत होती है। बाद में आते हैं किले के प्राचीन राजमहल और यहाँ के मंदिर। यहाँ एक बावड़ी भी है जो संभवतया उस समय के लोगों के लिए स्नान करने के लिए उपयोग में ली जाती थी। किले के मुख्य मंदिरों में भगवान सोमेश्वर, गोपीनाथ, मंगला देवी और केशव राय के मंदिर हैं। मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन इंडिया में शुमार इस किले को भूतों का भानगढ़ भी कहा जाता है। इसे माधो सिंह प्रथम ने बनवाया था। इनके दादाजी का नाम भान सिंह था, इन्हीं के नाम पर किले का नाम भी भानगढ़ रखा गया। वर्तमान में यह किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की निगरानी में है। विभाग की ओर से किले की पहरेदारी की जाती है। 17वीं सदी में भानगढ़ एक आबाद एवं खुशहाल किला हुआ करता था। इसके निर्माता माधो सिंह मुगल सम्राट अकबर की सेना में जनरल हुआ करते थे। विशाल आकार में निर्मित इस किले में तकरीबन 10,000 लोग रहा करते थे। किले में प्रवेश के 5 द्वार बने हुए हैं। यह किला मुगलों की छत्र छाया में ही रहा। किला बनने के 3 सदी तक यहाँ सब कुछ सामान्य था। भगवंत दास के छोटे बेटे व अंबर किले में रहने लगे। इसके बाद यह माधो सिंह के हक में आ गया। माधो सिंह के बाद इसके वंशजों ने किले पर शासन किया। 1722 में इसी वंश के हरि सिंह उत्तराधिकारी बने। इनके 2 बेटे थे। यह मुगल काल था तथा दिल्ली की सत्ता औरंगजेब के हाथ में थी। धर्म परिवर्तन उसका पहला काम था। उसने हरि सिंह के दोनों बेटों को इस्लाम धर्म स्वीकार करवाकर उन्हें मोहम्मद कुलीज एवं मोहम्मद दहलीज का नाम देकर भानगढ़ का किला उन्हें सौंप दिया। उसी समय आमेर के महाराजा सवाई जय सिंह ने उनकी हत्या कर किला वापस माधो सिंह के पुत्रों को सुपर्द कर दिया था। भानगढ़ के भुतहा किला बनने के पीछे राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की कहानी बताई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि रत्नावती उस समय की अप्रतिम सुंदरी थी। राज्य में उसके समान कोई सुंदर लड़की नहीं थी। एक दिन रत्नावती अपनी कुछ सहेलियों के साथ किले में स्थित त्रिपोलिया बाजार में गई तथा एक इत्र की दुकान पर ठहरी। उसने एक सुगंधित इत्र की शीशी को उठाया और सुगंध लेने लगी। उसी समय वह तांत्रिक दूर से रत्नावती को देख रहा था। उसने देखते ही राजकुमारी को पाने की तमन्ना जग गई। वह काले जादू की कला में माहिर था। उसने राजकुमारी को पाने के लिए उसने उस शीशी पर अपना जादू चला दिया। पास ही देख रहे किसी पहरेदार को इस वाकया की जानकारी हो गई तो उसने रत्नावती को बता दिया। रत्नावती ने इतना सुनते ही उस इत्र की शीशी को पास ही पड़े पत्थर पर पटक कर तोड़ दी। राजकुमारी ने जिस पत्थर से शीशी को तोड़ा था वह पत्थर लुढ़क कर उस तांत्रिक का पीछा करने लगा और कुछ ही दूरी पर उस तांत्रिक पर पत्थर गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। मरते वक्त उसने इस किले को श्राप दिया कि जल्द ही तुम सब मारे जाओगे, तुम्हारी आत्माएं इसी किले में भटकती रहेगी। इस घटना के कुछ दिन बाद ही अजबगढ़ और भानगढ़ के बीच यह भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में किले में रहने वाले समस्त लोग मारे गए, जिनमें राजकुमारी रत्नावती भी थी।
अपने श्राप के मुताबिक ऐसा माना जाता है वो मरने वाली समस्त आत्माएं रूह बनकर आज भी किले में भटकती है। इसी कारण यहाँ रहस्यमयी घटनाएं घटित होती हैं। इस किले के साथ एक और घटना बताई जाती है। कुछ लोगों के अनुसार यह घटना बाबा बालकनाथ के साथ जुड़ी हुई है। जब इस किले का निर्माण शुरू किया जा रहा था तो बाबा बालकनाथ ने भगवंत दास को यह बताया था कि आप किला अपने पसंद की जगह पर बनाओ, मगर उस किले की छाया मेरे पूजा स्थल अथवा आश्रम तक नहीं पहुंचनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो किले में कोई जीवित नहीं बचेगा। भानगर का किला आज एक रहस्यमयी किला है। लोग बताते हैं कि यहाँ भूतों की बात सत्य है। किले के खंडहर हो चुके महलों में आज भी रात को प्रेत आत्माएं बसती हैं, मगर वे आत्माएं किले की चार दीवारी तक ही सीमित है। प्रवेश द्वार पर हनुमान जी का स्थान होने के कारण वो इस चार दीवारी से बाहर नहीं आते। कुछ लोग किले में रहने का साहस करते हैं, मगर रात्रि को उन वीरान महलों में नहीं जाना चाहिए। हम इंसान हैं, हम में वो क्षमता नहीं जो किसी प्राचीन इतिहास अथवा श्राप को बदल सके। इसलिए यदि आप भी भानगढ़ की यात्रा पर जाएं, तो ऐसा दुस्साहस न करें। राजस्थान में मौजूद भानगढ़ किला ऐतिहासिक खंडहरों की वजह से देश और दुनिया भर में प्रसिद्ध है। किले के चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां और जंगल मौजूद है। जब किले में प्रवेश किया जाता है तो विभिन्न हवेलियों के अवशेष भी दिखाई देते हैं। शाम के समय यहाँ का नजारा काफी डरावना हो जाता है। भारत के टॉप हंटेड प्लेस में भानगढ़ किले की गिनती होती है, जो कि राजस्थान के अलवर जिले के राजगढ़ नगर पालिका के अंतर्गत आता है। इस किले की गिनती भारत देश की सबसे डरावनी जगह में होती है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर शाम के समय के पश्चात जाने पर भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। मान्यता है कि शाम के समय से ही यहाँ पर भूतों का आगमन होना प्रारंभ हो जाता है और सुबह होने तक भूत रहते हैं। यहाँ का चौकीदार भी किले से तकरीबन 1 किलोमीटर दूरी पर रहता है। इस किले की तबाही के पीछे विभिन्न कहानियां बताई जाती हैं। हालांकि उन कहानियों के पीछे सच्चाई की कोई भी प्रमाणिक जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। इस किले के तबाह होने के तौर पर दो कहानियां काफी अधिक प्रचलित है, जिसमें पहली कहानी के अनुसार राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती के कारण भानगढ़ का किला तबाह हुआ था क्योंकि उनके पीछे एक तांत्रिक पड़ गया था, और दूसरी कहानी के अनुसार ऋषि बालूनाथ जी की बात ना मानने से भानगढ़ किला तबाह होने की कहानी प्रचलित है। आप भानगढ़ किला घूमने के लिए साल के किसी भी समय जा सकते हैं, परंतु आपको यहाँ पर अप्रैल से लेकर के जून के महीने तक जाने से बचना चाहिए, क्योंकि इस दरमियान यहाँ पर काफी भीषण गर्मी होती है। ऐसे में आपको किला घूमने का मजा नहीं आएगा, इसलिए आपको नवंबर के महीने से लेकर के मार्च के महीने तक इस किले को घूमने जाना चाहिए, तभी आपको किला घूमने का पूरा आनंद आएगा। पर्यटकों के लिए सुबह 6 o'clock बजे ये किला खोल दिया जाता है और यह शाम 6 o'clock बजे तक खुला रहता है। इसके बाद किले को बंद कर दिया जाता है। भानगढ़ किले में भारतीय लोगों के लिए एंट्री फीस ₹25 होती है। विदेशी लोगों के लिए यहाँ पर प्रवेश शुल्क ₹200 रखा गया है। यहाँ पर वीडियो कैमरा का चार्ज ₹200 तक लिया जाता है। भानगढ़ किला अलवर शहर के पास में मौजूद है और इसकी दूरी तकरीबन 90 किलोमीटर के आसपास है। इस प्रकार से आपको अलवर जिले से भानगढ़ किले तक जाने के लिए बस और टैक्सी की सुविधा मिल जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही एक और सच्ची कहानी के साथ।